पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान वनडे सीरीज के बाद टी20 सीरीज के लिए 11 खिलाड़ियों का इंतखाब हो चुका है। दोनों टीमों के दरमियान 3 ही मैचेस पर मुश्तमिल टी20 सीरीज खेली जाएगी। पहला मैच 7 नवंबर से कराची में शुरू होगा। ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान टीम में वनडे खेलने वाले हारिस सुहेल, आबिद अली और इमामुल हक को रिलीज कर दिया गया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 के लिए 11 खिलाड़ियों के इंतहाब पर बहस जारी है। पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ी जिनमें रमीज राजा और शोएब अख्तर शामिल हैं, इन्होंने अपनी अपनी प्लेइंग 11 बताई है। रमीज राजा के मुताबिक पाकिस्तान की टी20 में प्लेइंग 11 में फहर जमान, अब्दुल्ला शफी, हैदर अली, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शदाब खान, इमाद वसीम, शाहीन अफरीदी, हारिस राउत, वहाब रियाज, मोहम्मद हफीज शामिल है। जबकि शोएब अख्तर के मुताबिक हारिस रऊफ की जगह मोहम्मद हुसैन को टीम में शामिल करने का कहा गया है। इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस हासिल करने के लिए इन्फॉर्मेशन आइकन को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें।